हे फ्रेंड्स, मैं अविनाश आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस एपिसोड 9 ऑफ टेक प्रोडक्ट लॉन्चेस में हम बात करने वाले हैं उन टेक प्रोडक्ट्स के बारे में जो इस वीक लॉन्च हुए हैं। तो इस वीक रियलमी, वन प्लस और बोस की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उनके नाम्स बता देता हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके टाइम स्टेप्स मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस वीक लॉन्च हुआ वो रियलमी की तरफ से एक GT2 Pro 5G स्मार्टफोन था। इसके अलावा रियलमी की तरफ से एक और फोन लॉन्च हुआ जिसका नाम है रियलमी 9। रियलमी ने एक लैपटॉप भी लॉन्च किया जिसका नाम है रियलमी बुक प्राइम। रियलमी की तरफ से एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स भी लॉन्च हुए जिसका नाम है बड्स एयर 3। रियलमी ने एक स्मार्ट टीवी स्टिक्स भी लॉन्च की है और एक वन प्लस की तरफ से Y1S Pro एक स्मार्ट टीवी लॉन्च हुआ है 43 इंच का। और बोस की तरफ से एक QC35 सेकेंड जनरेशन वायरलेस हेडफोन्स भी लॉन्च हुए हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो इस वीक लॉन्च हुए हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस वीक लॉन्च हुआ है वो रियलमी की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है GT2 Pro। ये एक 5G स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से। इसमें आपको एक 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि एक LTPO सेकेंड जनरेशन एमोलेड 2K डिस्प्ले है। और इस फोन का डायरेक्ट कंपटीशन OnePlus 10 Pro के साथ में है। हालांकि ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस OnePlus 10 के जैसी ही है, इसमें सिर्फ कुछ कुछ माइनर चेंजेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आपको एक एमोलेड 2K फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है जहाँ की OnePlus 10 Pro में कर्व डिस्प्ले है। इसमें भी आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। 120Hz का रिफ्रेश रेट है। इसमें भी HDR10+ का सपोर्ट है। 1400 nits की पीक ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिलती है। इसमें भी स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 4 नैनोमीटर का 8th Gen 1 प्रोसेसर यूज किया गया है जिसका एड्रीनो 730 GPU है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। 50MP का प्राइमरी कैमरा है। f1.8 सेंसर साइज 1x1.56 इंच है। सोनी का IMX766 सेंसर यूज हुआ है। इसमें ही आपको एक 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलता है जिसका एपर्चर f2.2 का है। ये भी सेम OnePlus 10 Pro की तरह ही 150° फील्ड ऑफ व्यू वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और इसमें आपको एक 3MP का माइक्रोस्कोप कैमरा भी देखने को मिलता है जिसमें कि आपको 40x तक जूम देखने को मिलता है। और इसमें सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको एक 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसका f2.4 का एपर्चर है। और इसमें सेंसर यूज हुआ है सोनी का, सोनी IMX615। इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी देखने को मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। हाईरेस ऑडियो सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है तो आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें आपको एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसे आप 65W के सुपर डार्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और ये फोन 100% 33 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। इसमें आपको UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलती है। इस फोन में कंपनी ने स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम भी दिया है। वाईफाई, ब्लूटूथ और बाकी सारे सेंसर इसमें अवेलेबल है। NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। डुअल 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है रियलमी 3.1 के साथ में। ये आता है एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। कलर्स की बात करें तो 3 कलर्स में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। पहला है पेपर ग्रीन, दूसरा पेपर व्हाइट और तीसरा स्टील ब्लैक। अगर इस फोन के वेट की बात करें तो वेट कलर्स के हिसाब से चेंज होता है। जी हाँ, पेपर ग्रीन या पेपर व्हाइट कलर का अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो उसका वेट 189 ग्राम्स होगा। और अगर आप स्टील ब्लैक एडिशन वाला फोन लेते हैं तो उसका वेट 199 ग्राम्स है। सो 10 ग्राम का एक इंक्रीज देखने को मिलता है फोन में। फोन की प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 8128 का वेरियंट 4999 पे आता है और 1256 का वेरिएंट 5799 पे आता है। कंपैरिजन टू वन प्लस काफ़ी अच्छी प्राइसिंग रखी है, बट कुछ कुछ जगह कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू में और सेंसर्स में थोड़ा सा रियलमी ने कम किया है सो डेट प्राइसिंग उस हिसाब से एडजस्ट की जा सके। हालांकि फ़ोन बहुत अच्छा है और आप इसे खरीदने के लिए ज़रूर देख सकते हैं। और इसकी पहली सेल 14 अप्रैल को 12 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट डे के दिन अगर आप ये फोन खरीदते हैं तो आपको इस पे इंस्टेंट 5000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा SBI और HDFC के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स पे। और इसी के साथ आपको रियलमी की तरफ से एक वॉच एस स्मार्ट वॉच भी फ्री मिलेगी इस फोन के साथ ही, जिसकी प्राइस 4999 रुपीज है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट कंपनी ने इस वीक लॉन्च किया है रियलमी ने, वो रियलमी 9 है। इसमें एक 6.4 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जिसमें एड्रीनो 610 GPU है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 108MP का प्राइमरी कैमरा है। f1.75 एपर्चर का एक 8MP का 120° फील्ड ऑफ व्यू वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 2MP का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अपर्चर f2.5 का है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 33W की आपको डार्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। 2+1 का स्लॉट है।
मतलब आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको इसमें देखने को मिलता है। कंपनी ये बोलती है कि उनकी तरफ से अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट रियलमी का फोन है, जिसकी थिकनेस 7.9 mm है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। रियलमी वर्जन 3.0 के साथ में आता है, एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। वेट की बात करें तो 178 grams वेट है। प्राइसिंग की बात करें तो 628 का वेरियंट 17999 का आता है, 12256 का वेरियंट 18999 का आता है। कलर्स की बात करें तो 3 colors में कंपनी ने लॉन्च किया है, मीटियोर ब्लैक, सनबर्स्ट गोल्ड और स्टेरगेज व्हाइट। सेल के लिए ये 12 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा रियलमी और फ्लिपकार्ट की साइट पे। आप खरीदना चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। फोन की प्राइसिंग ज्यादा है, 18,000 और 19,000 रुपए के हिसाब से। आपको प्रोसेसर उतना लेटेस्ट नहीं देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 680 है, 6 nanometer का प्रोसेसर है बट काफी पुराना है। प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होता तो एक अच्छी डील हो सकती थी। कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से फोन को देखें तो फोन अच्छा है बट प्रोसेसर कहीं ना कहीं लैग करता है प्राइसिंग के हिसाब से, तो वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है। बट अगर आप फिर भी एक रियलमी का फोन ही स्पेसिफिकली प्रेफर करना चाहते हैं तो आप रियलमी 9 जरूर देख सकते हैं। रियलमी की तरफ से रियलमी ने इस वीक एक लैपटॉप भी लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है रियलमी बुक प्राइम। तो ये एक लैपटॉप 14 इंच की स्क्रीन के साथ में आता है। इसमें आपको एक 2K फुल विजन डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 2160x1440 पिक्सल्स का है। इसमें एक ही मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने जो कि एक 11th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर के साथ में आता है। इसमें आपको इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलते हैं। आपको इसमें 16GB ऑफ DDR4X रैम देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 512GB की SSD भी देखने को मिलती है। इसमें आपको एक 2-in-1 फिंगरप्रिंट और पावर बटन देखने को मिलता है। जी हाँ, एक पावर बटन है जिसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है, तो आप उसको पावर ऑन करने के लिए और एज अ फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई 6 थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट भी देखने को मिलता है, USB A पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 भी देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एडिशन भी आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। कंपनी ये बोलती है कि ये सबसे स्लीकेस्ट लैपटॉप उन्होंने अभी तक लॉन्च किया है। 14.9 इंच का सुपर स्लिम डिजाइन बोलती है। डुअल स्पीकर्स है, सराउंड साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड है, टचपैड का साइज काफ़ी बड़ा है, एक अच्छा टचपैड आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। 65W की टाइप सी चार्जर से आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ये लैपटॉप आपका सिर्फ 50 मिनट्स में 30% चार्ज हो जाएगा और आप इसी लैपटॉप से अपने रियलमी के स्मार्टफोन्स भी चार्ज कर सकते हैं 30W की स्पीड से। इसमें आपको एक 54W की बैटरी भी देखने को मिलती है जिसके थ्रू अगर आप वीडियो प्लेबैक करें तो आपको 12 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक टाइम भी देखने को मिलता है। अगर इस लैपटॉप के वेट की बात करें तो वेट 1.37 grams है, काफ़ी हल्का लैपटॉप लगता है। जनरली ये स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाले लैपटॉप्स, ब्रांडेड लैपटॉप्स HP, डेल वगैरह 2 kilo या 2.05 kg तक जाते हैं। कलर्स की बात करें तो कंपनी ने 3 colors में लॉन्च किया है, ग्रीन, ब्लू और ग्रे, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 64,999 rupees है, ऑलमोस्ट 64,000 की प्राइसिंग है। प्राइसिंग ठीक है, अच्छी है। अगर आप एक 14 इंच का लैपटॉप देख रहे हैं और आपको स्लिम लैपटॉप चाहिए, एक इजी टू कैरी लैपटॉप चाहिए जो थोड़ा हल्का हो, तो आप ये रियलमी का लैपटॉप खरीदने का सोच सकते हैं। इसकी ये भी सेल के लिए 14 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा 12 बजे से रियलमी और फ्लिपकार्ट की साइट पर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो रियलमी बर्ड्स एयर 3 है। इसका इंटरनेशनल लॉन्च ऑलरेडी रियलमी ने मार्च के फर्स्ट वीक में किया था और अभी रियलमी ने इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको एक 10 mm का डायनामिक बेस ड्राइवर देखने को मिलता है जिसमें कि आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 42 डेसिबल तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलता है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, 30 आवर्स तक का प्लेबैक मिलता है और अगर आप ANC ऑन रखते हैं तो आपको 22 आवर्स तक का प्लेबैक देखने को मिलेगा। और अगर बर्ड्स की बात करें तो इसमें आपको 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है अगर आप ANC ऑन रखते हैं, और अगर आप ANC ऑफ करते हैं तो आपको 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो आप इसे 100 मिनट तक का आपको यूसेज टाइम इसमें देखने को मिल जाएगा और ये रियलमी के ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। कंपनी ने इसको 2 colors में लॉन्च किया है, एक है गैलेक्सी व्हाइट, दूसरा है स्टेरी ब्लू। प्राइसिंग 3,999 rupees है, प्राइसिंग अच्छी है। प्रोडक्ट एक नाइस बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, एक स्टर्डी फील देता है अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इनफिट ईयर्स भी अच्छी है। ये रियलमी और फ्लिपकार्ट के साइट पे 11 अप्रैल से सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा, 12 बजे से इसकी सेल है, तो आप इसे खरीदना चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। रियलमी ने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस वीक लॉन्च किया है वो रियलमी की तरफ से एक स्मार्ट टीवी स्टिक है। अब स्मार्ट टीवी स्टिक आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। स्मार्ट टीवी स्टिक से आप किसी भी नॉन एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में या एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने फोन के साथ में अपनी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी ऑपरेशंस आप अपने टीवी पे कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट टीवी स्टिक जो रियलमी ने लॉन्च किया है ये क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में आता है जिसमें कि कॉर्टेक्स A35 ARM प्रोसेसर है। इसमें आपको एक 1GB
कि DDR4 रैम देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपका डिस्प्ले और ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इसमें आपको एक 8GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। इसमें आपको 1080 फुल HD तक का सपोर्ट मिलता है, सो डैट आप फुल HD पे अपने कुछ भी कंटेंट रिट्रीव कर सकते हैं अपने TV के ऊपर में। आपको इसमें HDR10+ की डिकोडिंग भी देखने को मिल जाती है और इनबिल्ट ऐप का सपोर्ट है, जिसके थ्रू आप म्यूज़िक, वीडियोज़, गेम्स अपने TV पे चला सकते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ में ये पावर्ड है बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप ये रियलमी TV स्टिक लगा के अपने फ़ोन को अपने TV के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI 1.4 वर्जन के साथ में इसकी पोर्ट कनेक्टिविटी है, तो आप इसे अपने TV की HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने TV को स्मार्ट TV में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें माइक्रो USB का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है आपको। इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है और आप ब्लूटूथ के थ्रू इसे वॉइस बेस्ड रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग 2,999 rupees है। ये सेल के लिए 11 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। 12 बजे से इसकी सेल रहेगी। रियलमी और फ्लिपकार्ट की साइट से आप इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस वीक लॉन्च हुआ है वो OnePlus की तरफ से एक स्मार्ट TV है, जिसका नाम है OnePlus Y1S Pro। लास्ट टू लास्ट वीक जो कंपनी ने OnePlus ने TVs लॉन्च किए थे, ये उसका एक सक्सेसर वर्जन है, जिसमें कि आपको 43 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है और ये 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले के साथ में आता है। इस TV में कंपनी ये क्लेम करती है कि आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। HDR10+ की डिकोडिंग है, 64-bit का प्रोसेसर है, जिसके थ्रू आप स्मार्ट कास्टिंग वगैरह और जो इसमें गैमा इंजन है उसके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा TV का। इसमें आपको वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको एक RJ45 का कनेक्टर देखने को मिलता है। आपको 3 HDMI 2.0 के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक AV इनपुट पोर्ट देखने को मिलता है, एक AV आउटपुट पोर्ट देखने को मिलता है और आपको 2 USB 2.0 वर्जन के पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें 24 वॉट्स के स्पीकर्स कंपनी ने दिए हैं और जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें एक ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, तो अगर आप अपने TV पे गेमिंग करना चाहते हैं या गेमिंग कंसोल कनेक्ट करके HDMI पोर्ट से, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको वहां पे कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ में ये TV लॉन्च किया है। कम्प्लीटली बेजललेस डिज़ाइन है, आपको बिल्कुल भी बेजल्स कॉर्नर्स पे देखने को नहीं मिलती है। इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपको ऑक्सीजन प्ले 2.0 UI देखने को मिलता है। आप इसे OnePlus डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको मीराकास्ट, क्रोमकास्ट, DLNA और आपको इसमें बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट भी देखने को मिलता है। इसमें आपको फैमिली फ्रेंडली किड्स मोड्स, आई कम्फर्ट मोड भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप रिमोटली अपने TV पे मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे नहीं है फिर भी आप अपने OnePlus कनेक्ट ऐप से कनेक्ट करके आप अपने TV में किड्स मोड कर सकते हैं, जिससे कि थ्रू TV ये मॉनिटर करे कि अगर आपके बच्चे TV देख रहे हैं, घर पे कोई बच्चे TV देख रहे हैं, तो आई पे उतना इसका इफेक्ट ना हो और वो आई कंफर्ट मोड भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। आप उसमें टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो TV ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। तो अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें 2GB की रैम देखने को मिल जाती है और 8GB तक इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इस TV का वेट 8.9 kgs है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये 120 वॉट्स की TV है और इसकी प्राइसिंग 29,000 है। और द बेस्ट थिंग कि ये TV कंप्लीटली मेड इन इंडिया है और ये 11 अप्रैल से OnePlus इंडिया और Amazon की साइट पर सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। 12 बजे से इसकी सेल है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस वीक लॉन्च हुआ है वो Bose की तरफ से एक वायरलेस हेडफोन्स है, जिसका नाम है QC35 सेकेंड जनरेशन। QC Bose की एक क्वाइट कंफर्ट हेडफोन कैटेगरी के अंडर में आने वाले 35 सेकेंड जनरेशन वायरलेस हेडफोन्स है, जिसमें कि आपको बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है, एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है एंड द बेस्ट थिंग कि आप अपने नॉइस कैंसिलेशन को आप अपने वॉइस से भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप उसे फिजिकल जो टैक्टिकल बटन्स दिए गए हैं आपको हेडफोन्स के ऊपर, आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देखने को मिलता है, जो आपको कुशनिंग देखने को मिलती है हेडफोन्स के इंटरनल में। और इसके अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये इंपैक्ट और कोरोजन रेजिस्टेंट बिल्ड क्वालिटी से के साथ में आता है। अगर इसके ईयर कप्स की बात करें तो वहाँ पे भी आपको सॉफ्ट कुशंस देखने को मिलते हैं, तो आपको ये हैवी नहीं होगा आप कितने भी घंटे अगर ये हेडफोन्स वियर करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। अगर आप इसे 15 मिनट चार्ज करते हैं तो आप इसे 2.5 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे। Bose कनेक्ट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और कंपनी ये बोलती है कि एक अल्टीमेट 2-in-1 गेमिंग एंड लाइफस्टाइल हेडसेट है। कंपनी ने इसे 2 कलर्स में लॉन्च किया है, पहला है ब्लैक एंड दूसरा है सिल्वर। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 21,999 है और ये ऑलरेडी सेल के लिए अमेजोन पर अवेलेबल है। हेडफोन्स अच्छा है, Bose की ब्रांडिंग के साथ में आता है, बिल्ड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, आपको हर तरह के लेटेस्ट एडवांस्ड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट प्राइसिंग नॉर्मल यूजर के हिसाब से थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आप Bose का नाम देखेंगे या उसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो ये प्राइस जस्टिफाइड है। बट अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो इस वीक लॉन्च हुए थे।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े भी रह सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।